हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 827 में। मैं परी से आज से आपको बायोलॉजी का अध्ययन कराऊंगी। बायोलॉजी की कक्षाएं लेने जा रही हूं। आज हम बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी की क्लासेस। साइंस, पहले हम साइंस वर्ड को देखते हैं। साइंस क्या है, कौन सी भाषा से लिया गया है और इसका मतलब क्या है। साइंस वर्ड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि साइंस्टिया वर्ड है, यानी लैटिन भाषा के साइंस्टिया वर्ड से साइंस बना है। ठीक है, जिसमें साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज, यानी जानकारी। अगर साइंस्टिया की बात करें तो साइंस्टिया का लैटिन भाषा में अर्थ होता है जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं साइंस के ब्रांचेस क्या क्या हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस यानी शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं क्या हैं, विज्ञान की शाखाएं। स्टूडेंट्स, क्लासेस बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही इधर लिखा हुआ है तो हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं साथ के साथ हिंदी भी बोलूंगी और इंग्लिश भी लिखती जाऊंगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और स्टूडेंट्स तो सभी तरह के होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं और कुछ लोग बायलिंगुअल भी पढ़ते हैं। मेरा बायलिंगुअल चलता है ऑलवेज। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस में हम तीन शाखाओं को पढ़ेंगे, पहली फिजिक्स, दूसरी बॉटनी बायोलॉजी और तीसरी केमिस्ट्री। वैसे तो साइंस की ब्रांचेस बहुत होती हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही हमारे एग्जाम में आती है, तो इन तीनों का ही अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। बायोलॉजी में हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं एनिमल्स का, और बॉटनी में अध्ययन करते हैं हम प्लांट्स का। बेसिकली क्या है कि जो एनिमल्स है उसमें ह्यूमन भी आ जाता है। आपने एक कोटेशन पढ़ी होगी अरस्तू की है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, सामाजिक जंतु है। तो वो जो ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो हम जूलॉजी में एनिमल्स के साथ ही पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी के अध्ययन में हम देखेंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जो कि बायो प्लस लॉगस से बनकर बना है। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब स्टडी। इसका मतलब इस बायोलॉजी का जो संक्षिप्त में इसके अर्थ को जाने, तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी शब्द का अर्थ होता है स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, यानी बायोलॉजी के पिता या जनक, या फिर फादर ऑफ जूलॉजी, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों एक ही थे, जो थे अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या एक बुक लिखी, जिनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स का अध्ययन किया। इसे स्टडी ऑफ एनिमल भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने 500 एनिमल्स का अध्ययन किया था। ये बात जानने योग्य है कि कितने एनिमल्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो लगभग 500 जीव जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है। फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस हैं। इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया। तो इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स के बारे में स्टूडेंट्स अध्ययन किया था। इनकी जो बुक है उसका नाम था हिस्टोरिया और प्लांटेरियम। ठीक है,
इनके बुक्स को आप याद रखेंगे, एक ये बुक और एक ये वाली बुक, ये दोनों एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं पूछा है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, कितने पौधों का अध्ययन किया गया है, पेड़ों का 500 पौधों का और इसमें एनिमल्स का 500 एनिमल्स का। अब बात करते हैं बायोलॉजी जो शब्द है वो आखिर दिया किसने, बायोलॉजी शब्द दिया किसने। अब बायोलॉजी शब्द का अर्थ तो हमें पता चल गया कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसको दो वर्ड से जोड़ के बनाया गया है, बायो प्लस लॉगस, इसका हमें बायो का भी नाम अर्थ पता चल गया कि इसका अर्थ होता है लाइफ, लॉगस का भी अर्थ पता चल गया स्टडी, तो इसका टोटल। लेकिन बात ये है कि ये किसने दिया, जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया। तो द वर्ड ऑफ बायोलॉजी, वर्ड ऑफ बायोलॉजी वॉज गिवन बाय लेमार्क, मैं यहां लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए, लेमार्क एंड ट्रिवेनियस, TRAVI, बायोलॉजी से शब्द है वो लेमार्क और ट्रिवेनियस ने दिया था। अब आपको याद रहेगा, मैं एक बार और समझा देती हूँ, बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसको दो पार्ट, दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, बायो प्लस लॉगस, बायो का अर्थ होता है लाइफ और स्टडी, लॉगस का अर्थ है स्टडी, यानी बायोलॉजी का अगर पूरे मीनिंग की बात करें तो स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवन और जीवधारियों का, सजीव जीवधारियों का अध्ययन, हिंदी में बोलें। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरिस्टोटल है, इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि हिस्टोरिया और एनिमिलिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, तो आप इससे याद रखेंगे कि हिस्टोरिया यानी हिस्ट्री यानी इतिहास, जानवरों का इतिहास, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, तो अरिस्टोटल की बुक का नाम एनिमल से ही रिलेटेड होगा, तो क्या हो गया, एनिमेलिया, बाकी का हिस्टोरिया तो आपको याद ही रहेगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसमें 500 एनिमल्स की स्टडी की गई है। फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक लिखी, बॉटनी में प्लांटों का अध्ययन करते हैं, तो बुक भी प्लांट से ही संबंधित होगी, ठीक है, तो प्लांटेरियम बुक का नाम है, हिस्टोरिया ऐड कर लेंगे याद से, हिस्टोरिया प्लांटेरियम, इसमें हमने 500 प्लांट्स का अध्ययन किया था, किसने, थियोफ्रेस्टस ने। बायोलॉजी जो शब्द की बात की थी, वर्ड ऑफ बायोलॉजी वॉज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रिवेनियस, आप इस शब्द को भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें याद करना जरूरी होता है, आखिर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि शब्द कहाँ से, कौन सा लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, या फादर कौन थे, या इसका जनक कौन था, ये सारी चीजें याद करने वाली होती हैं। तो ये था आज की क्लास में बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि देखते हैं क्या टॉपिक होगा, तो कोशिश, ठीक है, तो ये तो थी आपकी आज की क्लास, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आगे शेयर करें, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी शिकायत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच।